और इन एरियाज का इस्लामीकरण अगर आप, और फिर उसके बाद जम्मू को लॉन्च पैड या स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा पूरे हिंदुस्तान में वो मॉडर्न एप्लीकेट करने के लिए। जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप, मैं हूं राजीव चौधरी। आज बात श्रीनगर के इकबाल पार्क की, क्योंकि इसी इकबाल पार्क में बिंद्रू मेडिकल स्टोर है। ये मेडिकल स्टोर ओरिजिनल दवाओं के लिए भी जाना जाता है, यानी अगर किसी को दवा चाहिए तो दूसरा तपाक से यही कहता है कि असली दवा लेनी है तो बिंद्रू मेडिकल स्टोर पर ही मिलेगी। मंगलवार की शाम का वक्त था। बिंद्रू मेडिकल स्टोर के मालिक 68 साल के माखन लाल बिंद्रू जी रोजाना की तरह अपने मेडिकल स्टोर पर थे। जिहाद का मंसूबा लिए कुछ बंदूकधारियों ने माखनलाल बिंद्रू जी की गोली मारकर हत्या कर दी। माखनलाल बिंद्रू एक निडर इंसान थे, इतने निडर कि 90 के दशक में जब कश्मीरी हिंदू वहाँ से पलायन कर रहे थे वो तब भी जिहादियों के सामने डटे रहे थे। अब ये हमला उसी हिम्मत पर हुआ, उसी हौसले पर हुआ। आज सवाल इस बात पर कि एक तरफ सुनने में आता है कि घाटी में सब कुछ ठीक ठाक है तो दूसरी तरफ आतंकी रक्तपात मचा रहे हैं। सवाल ये भी है कि देश के राजनेता जरा सी घटना पर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान की दौड़ तो लगाने लगते हैं, लेकिन जब कश्मीर में ऐसी दुखद खबर आती है तो राजनीतिक संवेदनाओं का मानो अकाल सा पड़ जाता है। कोई नेता वहाँ का रुख नहीं करता, क्या वहाँ जाने के लिए वाहन नहीं मिलते या वहाँ जाने पर वोट नहीं मिलते या फिर इसे ज़रूरी नहीं समझा जाता। सवाल और जवाब पर आगे बढ़े इससे पहले देखिए अपने पिता माखनलाल बिंद्रू की मौत पर उनकी बेटी श्रद्धा बिंद्रू जी ने क्या कहा। इसके बाद हम रुख करते हैं जम्मू कश्मीर के जाने माने वकील अंकुर शर्मा जी की ओर, जो एकजुट जम्मू के बैनर तले वहाँ संस्थागत सुधार लाने तथा घाटी के जिहादी नेताओं द्वारा मचाए भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग तो लड़ी रहे हैं, साथ ही जिहादियों के मंसूबे को अच्छी तरह समझते हुए जागृति भी पैदा कर रहे हैं। अंकुर शर्मा जी वो वकील है जिन्होंने रोशनी एक्ट द्वारा कश्मीरी नेताओं के लैंड जिहाद की न केवल पोल खोली बल्कि अपने निरंतर संघर्ष से उनके जेल जाने का रास्ता भी साफ किया। लेकिन पहले देखिए श्रद्धा बिंद्रू जी ने क्या कहा। कम इन फ्रंट, हैव अ डिबेट, हैव अ फेस टू फेस डिबेट विद अस, देन वी विल सी व्हाट यू आर। जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे, एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने, उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना वो मैं हूँ, ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी, आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। अंकुर शर्मा जी, रंग दे बसंती के इस मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अंकुर जी, एक बार फिर घाटी में वही हुआ जो होता आया है। श्रीनगर के बिंद्रू मेडिकल स्टोर के मालिक माखनलाल बिंद्रू जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी बेटी श्रद्धा बिंद्रू ने जिहादियों को ललकारते हुए कहा कि लड़ना है तो शिक्षा में लड़े, राजनेताओं ने तुम्हें बंदूक और पत्थर दिए, तुम बंदूक और पत्थर से लड़ना चाहते हो, ये कायरता है, अगर लड़ना है तो शिक्षा से लड़े। तो अंकुर जी, क्या ये संभव है कि ये लोग शिक्षा से लड़ सकते हैं? देखिए, वो तो एक असंभव सी बात है। जिस तरीके से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन पिछले 1400 वर्षों में अनलीश की गई जगह जगह पे, और इस समय तो भारत वर्ष जो है वो टारगेट है ही, मुझे नहीं लगता कि एक रैशनल लॉजिक के आधार पे, एक डिबेट के आधार पे इन फंडामेंटलिस्ट ताकतों से लड़ा जा सकता है। हमें माखनलाल बिंद्रू हो, पासवान हो, या तीसरा व्यक्ति जिसकी हत्या टारगेटेड किलिंग इस आधार पे की गई कि ये या तो हिंदू थे या हिंदू सिस्टम के साथ कंफॉर्म करते हुए उनकी मदद करते थे, हिंदुत्व फोर्सेस के एजेंट्स थे, जिस तरीके की संज्ञा वंज्ञा दी गई। इन समस्याओं का जो हल है वो सबसे पहले इस तथ्य की रिकग्निशन में है, ऑफिशियल रिकग्निशन में है कि जम्मू कश्मीर में जो भी चल रहा है उसका नाम जिहाद है। अब जिहाद क्या है? जिहाद एक वॉर फॉर्म है, लड़ाई का एक पूरा एक मेथोडोलॉजी है जिसमें बच्चे से लेके वो लास्ट उम्र में जो कब्र में जिसका पैर होता है वहां तक तमाम लोग उसमें शामिल रहते हैं। इस बात का सरोकार करना पहला एक रिक्वायरमेंट है, पहली एक नेसेसिटी है। समस्या को उसके नाम से आप नहीं पुकारेंगे तो समस्या का निवारण आप नहीं कर सकते, हल आप नहीं कर सकते, ये तो एक चीज होगी।
दूसरा आपको इस दृष्टिकोण से ये चीजें देखनी है कि 14वीं 15वीं शताब्दी से कश्मीर में और हिंदुस्तान में भी, लेकिन कश्मीर में इन स्पेसिफिक, हिंदुओं का, गैर मुसलमानों का और काफिरों का नरसंहार होता आया। मैंने हिंदुओं का, गैर मुसलमानों का और काफिरों का, काफिर ये तीसरी ब्रैकेट, तीसरी क्लासिफिकेशन इसलिए दी क्योंकि काफिर एक मुसलमान भी हो सकता है इन फंडामेंटलिस्ट ताकतों की डेफिनेशन के हिसाब से। अगर आप तकफीरी जिहाद की बात करें तो वो मुसलमान जो इनफिडल सिस्टम्स में इनफिडल्स के साथ कन्फॉर्म करता है, उनके साथ शमूरियात रखता है, या मान लीजिए जैसे कोई मुसलमान इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बैठा हुआ है या इंडियन सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ा हुआ, उसमें विश्वास रखता है, तो उसकी भी हत्या करनी है। तो ये जो हत्याएं इस तरीके की हो रही हैं, ये हिंदू जेनोसाइड का जो प्रोसेस है वो कई शताब्दियों से चल रहा है। 1990s में जो हिंदुओं के साथ कश्मीर में हुआ और जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ, वो नरसंहार था। नरसंहार की जो डेफिनेशन यूएन कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड जो है, उसके हिसाब से ये तमाम इंसिडेंट्स नरसंहार की कैटेगरी में आते थे। अनफॉर्चुनेटली आज तक भारत सरकार ने उन कृत्यों को नरसंहार घोषित नहीं किया। चूंकि उसे नरसंहार घोषित नहीं किया तो उसका निवारण नहीं हो सका। नरसंहार वो जो परपेट्रेटर्स अनलीश करते थे उन्हें सजा नहीं दी गई। चूंकि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया, भारत सरकार डिनायल ऑफ हिंदू जेनोसाइड में रही, तो इसीलिए हिंदुओं का जो जेनोसाइड है वो कंटिन्यूअस है, वो अनअबेटेड है। बिना रुकावट के हिंदुओं का जेनोसाइड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन रिकग्निशन ऑफ द डिजीज चला आ रहा है। तो आपने कुछ दिन पहले देखा तो हिंदुओं की हत्या कर दी गई, जो सरपंच पंच वहां पे इलेक्टेड थे। 1990s में जो हुआ वो अभी तक चल रहा है। आज आपने देखा इन तीन लोगों की हत्या कर दी गई, बिंद्रू जी की, पासवान जी की, और ये कह के कि ये हमसे अलग है, ये हिंदुत्व फोर्सेस के यहाँ पे एजेंट हैं, ये मुखबिर हैं, ये अदरिंग का प्रोसेस कि ये अलग हैं, हम हैं और इस कैटेगरी के लोग अलग हैं, ये भी जेनोसाइड की ब्रॉडर डेफिनेशन में आता है। जब आपको देखना है कि कहाँ पे किसी किसी एरिया में जो एक्टिविटीज हो रही है कि वो जेनोसाइड की कैटेगरी में आती हैं तो नहीं आती है, तो ये एक बहुत अनिवार्य सिचुएशन है कि एक अदरिंग का प्रोसेस चल रहा होना चाहिए। तो आप अगर इनकी प्रेस रिलीज भी, हत्यारों की प्रेस रिलीज भी पढ़ेंगे तो उन्होंने यही कहा है कि ये उनके मुखबिर थे, ये अलग थे, हमसे अलग थे, ये अस और देम की डिस्टिंक्शन उन्होंने क्रिएट की। और अस जो है, जो इस्लामिस्ट है, जिहादिस्ट है, वो दे या देम जो हिंदू है, नॉन मुस्लिम है, या बाई द बुक चलने वाला व्यक्ति नहीं है, उसकी हत्या और उसका जेनोसाइड नरसंहार करने के लिए काम कर रहा है। अब देखिए, जब तक ऑफिशियली आप जेनोसाइड इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, और इसलिए कंटिन्यूअस चल रहा है। और जेनोसाइड की एक और विशेषता है कि ये टाइम डोमेन स्पेसिफिक नहीं, ये निरंतर चलने वाली बात है। जिन कारणों से, जिस आधार पे 1990s में वहां पे हिंदुओं को मारा गया था, उसी आधार पे, उसी कारण से आज मक्खनलाल बिंद्रू को भी मारा गया। तो यानी कंटिन्यूअस प्रक्रिया है और इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, डिस्पाइट डिमांड्स बाय हिंदूज कि आप इन कृत्यों को नरसंहार घोषित करिए। अब एक विशेष समस्या से हम जूझ रहे हैं कि भारत सरकार किसी भी तरीके से आज की डेट में भी इन इस्लामिस्ट और जिहादिस्ट को अनॉय नहीं करना चाहती, नाराज नहीं करना चाहती। कांग्रेस की बात समझ आती थी, उनकी राजनीति वैसी थी, इन्हें वो नहीं नाराज करेंगे, लेकिन आज की सरकार की भी यही रणनीति हमें सामने देखने को नजर आ रही है कि वो इन्हें नाराज नहीं करेंगे, हिंदू चाहे कितना भी पिसता रहे। तो मुझे लगता है कि एक सीरियस इश्यूज हैं, सीरियस क्वेश्चंस हैं जो एड्रेस करने की आवश्यकता है। मैंने पिछली बार भी आपके शो में ये इस बात पे जरा सा रोशनी डालने की कोशिश की थी कि इंडियन स्टेट इज होस्टाइल टूवर्ड्स द इंडियन नेशन, इट इज होस्टाइल टूवर्ड्स द सनातन इंडिक सिविलाइजेशन। कश्मीर में हिंदू या जम्मू में हिंदू सनातन सभ्यता के मुख्य स्तंभों में से एक हैं, लेकिन इनके इंटरेस्ट्स को लेके इंडियन स्टेट एपरेटस, स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी होस्टाइल है। इनफैक्ट
कहीं कहीं तो बिल्कुल एंटी हिंदू है, और उसके कारण मैंने बताए थे कि किस तरीके से इंडियन स्टेट को टेक ओवर कर लिया गया फ्रॉम विद इन बाय इंस्टॉलिंग पॉलिसीज फॉर्मुलेशंस एंड इंस्टॉलिंग इंडिविजुअल्स जो अंदर सबवर्शन कॉज करके इस तरीके का रुख इंडियन स्टेट का कर देते हैं कि वो राष्ट्र के विरुद्ध ही काम करना शुरू कर देती है। हिंदुओं का नरसंहार और उसका डिनायल, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। इंडियन स्टेट इज होस्टाइल टुवर्ड्स द इंडियन नेशन। मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, एक जेनोसाइड जिसका डिनायल आप लगातार कर रहे हैं तो वो फिर रेप्लीकेट करेगा, डुप्लीकेट करेगा। जो जेनोसाइड का क्लाइमैक्स है वो डिनायल ऑफ जेनोसाइड है। जेनोसाइड करने वाला जेनोसाइड करता है और बाद में ये भी कहता है कि मैंने तो नरसंहार किया ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। भारत सरकार भी उसी डिनायल में है, इसीलिए ये जेनोसाइड निरंतर चल रहा है, इसीलिए ये जेनोसाइड डुप्लीकेट होता है, रेप्लीकेट होता है, और मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए बहुत गंभीर समस्या बन के आ रहा है। हम जानते हैं आज आप दुखी है, दर्वित है, लेकिन कुछ सवाल है, क्योंकि जब बिंद्रू जी जैसे हिंदुओं की घाटी या जम्मू संभाग में जिहादियों द्वारा हत्या की जाती है, तब ऐसे मामलों में FIR किसके नाम होती है? देखिए, FIR तो 302 में पहले अगर इनको ज्ञान हो कि किन्होंने मारा तो अज्ञात तो उनका तो नाम आ सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक नेम्स ना हो, नाम ना हो, तो एक अज्ञात के खिलाफ भी FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है, और फिर वो आतंकवादी संगठन जिनकी शमूरियात इसमें शामिल पाई जाती है या जो लोग इसे ओन करते हैं कि हमारे लोगों ने किया, उनके नाम पे FIR दर्ज होती है, तफ्तीश होती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आतंकवाद और आतंकवादी संगठन और आतंकी जो जमीन पे जाके गोली मारते हैं वो तो केवल कोअर्सिव आर्म है उस थॉट प्रोसेस की, जिस थॉट प्रोसेस को पीछे बैठा के पूरी मशीनरी चला रही है और जिस थॉट प्रोसेस को कश्मीर के समाज की पूरी सपोर्ट है। समाज बंकर की तरह काम करता है उन जिहादियों के लिए जो इस थॉट प्रोसेस को चलाते हैं, उन आतंकियों के लिए जो आगे जाके इस थॉट प्रोसेस को नीचे ग्राउंड पे ट्रांसलेट करते हैं गोली चला के। अब आप, यही जिहाद है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि बच्चे से लेके बूढ़ा हर व्यक्ति किसी ना किसी लेवल पे इसमें शामिल है। समाज के बारे में मैंने आपको ये बता दिया कि समाज इन आतंकियों के लिए, आतंकी संगठनों के लिए, रेडिकलाइजेशन मशीनरी के लिए एक बंकर का काम करता है, वो उन्हें प्रोटेक्शन ग्रांट करता है, वो उन्हें संरक्षण ग्रांट करता है। तो जब तक इन आतंकी घटनाओं को एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर पे देखा जाएगा, एक जिहादी वॉरफेयर के तौर पे नहीं देखा जाएगा, तब तक ही निरंतर चलती रहेंगी और हमारी हार हमेशा होती रहेगी। अच्छा अंकुर जी, यहाँ एक सवाल ये भी उभरता है कि जैसे सवाना आजमी के घुटने में जरा सी चोट पर देश के प्रधानमंत्री तक के ट्वीट आते हैं, विराट कोहली के अंगूठे में लगी जरा सी चोट पर देश भर के राजनेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक ट्वीट करते हैं, इसके अलावा किसी खिलाड़ी या राजनेता को क्या और कैसा खाना पसंद है, इन सब का पता देश की लीडरशिप को चल जाता है। मीडिया भी किसने क्या कहा बिना बात के मुद्दों पर घंटों बहस करा देती है। न्यूज स्टूडियो में रोजाना पार्टी प्रवक्ताओं को एंकर मुर्गों की तरह लड़ाते हैं, लेकिन जब ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती है तो क्या ये घटनाएं राजधानी दिल्ली तक नहीं आ पाती या संज्ञान में नहीं आती? ये सवाल इसलिए क्योंकि इन घटनाओं को दबाए जाने से जिहाद पर एक सामाजिक कहो या धार्मिक विमर्श कहीं ना कहीं दबकर रह जाता है। देखिए, ये बताता है कि प्रायोरिटीज कहाँ पे हैं, और आपने जो एग्जांपल्स दी उससे ये भी साबित कर दिया कि प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इंडियन स्टेट इज होस्टाइल टुवर्ड्स द इंडियन नेशन, तो राष्ट्र से संबंधी, सनातन इंडिक सिविलाइजेशन से संबंधी वो क्रिटिकल इश्यूज जिस पे स्टैंड लेने की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, वो स्टैंड नहीं ले पाता, वो स्टैंड नहीं लेता है। और इसके तथ्य तो आपने अपने सवाल में ही दे दिए कि नहीं लिए जाते। हिंदुओं के नरसंहार पे कोई कॉग्निजेंस नहीं ली जाती है, लव जिहाद के इश्यूज पे कोई कॉग्निजेंस नहीं ली जाती है, हिंदुओं की जो भावना गाय के प्रति है उसके स्लॉटर पे कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। ऐसी तमाम इंस्टांसिस हैं जिसके जरिए हम ये साबित कर सकते हैं, और उसके लिए एक सेपरेट डिबेट की प्रॉबेबली आवश्यकता हो कि स्टेट ही राष्ट्र के खिलाफ काम कर रही है। तो प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, उसके लिए बाउंड्रीज डिफाइंड हैं, और जब तक वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इस बात का सरोकार ना करे कि स्टेट अपरेटस हाईजैक्ड है,
स्टेट अपरेटस में अंदर इंडिविजुअल्स और पॉलिसीज और ऐसी सोच ऐसी फॉर्मुलेशन इंस्टॉल की गई हैं जो कोई भी व्यक्ति का दिमाग अपने कब्जे में कर लेती है, तो वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति स्टेट अपरेटस के शिखर पे है उसे स्टेट अपरेटस को ट्रांसेंड करके एक हेलीकॉप्टर व्यू रख के इस स्टेट अपरेटस के स्ट्रक्चर को समझना है कि ये क्यों राष्ट्र के विरुद्ध है, उसके बाद ही सॉल्यूशंस आ सकते हैं, उसके बाद ही आप कड़े कदम उठा सकते हैं, उसके बाद ही आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके मुझे लगता है कि जो करेक्शंस करने की जरूरत है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने ये देखा कि करेक्शंस की दिशा में तो कोई कदम भी नहीं उठाया जाता। इंडियन स्टेट ही है जो ये कहती है कि इंडिया इज स्टिल अ नेशन इन द मेकिंग, ये भारत की सनातन सभ्यता की कंटिन्यूटी को नकारती है। क्योंकि अगर भारत की सनातन इंडिक सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी में ये विश्वास रखे तो फिर ये नहीं कहेगी कि इंडिया इज अ नेशन इन द मेकिंग। इंडिया वॉज अ नेशन 10,000 ईयर्स बैक, ये कैसे ये स्टेट अपरेटर्स अपनी यूनिवर्सिटी की किताबों में ये लिख के कह सकता है और डिबेट्स में ये कहते हैं कि इंडिया अभी भी एक बनता हुआ राष्ट्र है, बना नहीं है। अलग अलग पूजा पद्धतियां समय समय पे आई, वैसे बन रहा है। अलग अलग लोगों ने हमें लूटा, वो हमारे में शामिल हुए, वैसे बन रहा है। सनातन सभ्यता की कंटिन्यूटी को ही ये डिनाई करते हैं। और उसी के साथ उसी डायरेक्शन में चलते हुए आगे ये हिंदुओं के जेनोसाइड को भी डिनाई करते हैं। और डिनायल ऑफ हिंदू जेनोसाइड ही क्लाइमेक्स ऑफ किसी भी जेनोसाइड का होता है। उसमें व्यक्ति जो जेनोसाइड फेस कर रहा होता है उस डिनायल के कारण अपना मानसिक संतुलन तक खो जाता है, खो देता है। 1947 में जब मुसलमानों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि उन्होंने अलग देश बना दिया, देश को खंड विखंड कर दिया, पाकिस्तान बना लिया, तो मुझे बताइए कि नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि भारत के और टुकड़े ना हो, क्या भारत सरकार के लिए ये इंपेरेटिव नहीं था, जरूरी नहीं था कि मेंटेनेंस ऑफ हिंदू मेजोरिटी कैरेक्टर ऑफ द कंट्री को एक नेसेसरी कंडीशन बनाए? हिंदुओं पे हुए हमले को एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट द स्टेट वो एक पॉलिसी स्ट्रक्चर बनाए? मैं दो चीजें कह रहा हूं। अगर 1947 में जीता जागता आपके सामने उदाहरण है कि मुसलमानों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि उन्होंने आपके देश के टुकड़े कर दिए, बिल्कुल, तब भी अल्पसंख्यक ही थे और ये अल्पसंख्यक इतने ताकतवर थे कि एक अलग देश ले लिया था और आज फिर भी ने अल्पसंख्यक कहा जा रहा है, अभी भी अल्पसंख्यक है। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि जब आपके सामने जीता जागता प्रमाण है कि जब एक संख्या इतनी परसेंटेज में पहुंच गई कि अलग देश ले लिया, तोड़ दिया देश को, तो क्या ये इंडियन स्टेट का दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए, दृष्टि रखते हुए ये एक पॉलिसी इंटरनल नहीं होनी चाहिए थी कि भारत का हिंदू मेजोरिटी कैरेक्टर मेंटेन करके रखना है ताकि देश फिर ना टूटे? और हिंदुओं का अगर नरसंहार होता है या हिंदुओं पे अगर हमले होते हैं एज अ कम्युनिटी, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट द इंडियन स्टेट माना जाएगा? लेकिन ये दोनों में से कोई भी चीज इन्होंने नहीं की, जीता जागता उदाहरण होने के बावजूद भी, तो आप कैसे समझेंगे कि इंडियन स्टेट आपके साथ है, आपके इंटरेस्ट को दिमाग में रख के काम करेगी? मक्खनलाल बिंद्रू के बाद, पासवान के बाद और भी हिंदुओं का कत्लेआम होगा, कंटिन्यूअस है। ना केवल कत्लेआम होगा, जमीनें लूटी जाएंगी, मंदिर तोड़े जाएंगे। 4 दिन पहले की ही तो घटना है जिसे मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था कि किस तरीके से अनंतनाग में मटन में माँ दुर्गा के एक स्वरूप का जो एक भव्य मंदिर वहां पे बना हुआ था उसे डेसेक्रेट किया गया, उसे तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, न्यूज़पेपर्स में वो रिपोर्ट्स आई। तो ये निरंतर चलने वाला प्रोसेस, मुझे लगता है कि भारत सरकार को पॉलिसी के लेवल पे और स्टेट अपरेटस में रेडिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस करके स्टेट का जो वशीकरण हुआ है उस वशीकरण से निजात दिलवा के एक नई दिशा पकड़नी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि उसके बाद ही मतलब रास्ता एक मार्ग प्रशस्त होगा जो आपको लगेगा कि उस दिशा में है जिस दिशा में भारत एक स्ट्रांग नेशन बनता है, भारत में रहने वाले राष्ट्रवादियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी ये स्टेट उठाती है, या वो तमाम चीजें जो भारत और भारतीय सभ्यता से जुड़ी हुई है उनके विकास के लिए काम किया जाता है। अभी एवरीथिंग इज एंटी सिविलाइजेशन, एंटी हिंदू, एंटी व्हाटएवर, कोई भी इंडिविजुअल जो राष्ट्रवादी है उसके लिए कॉस्ट्स हैं इस देश में रहने पे, जम्मू कश्मीर में खास। अच्छा अंकुर जी, आप तो वहां रहते हैं तो बेशक ज्यादा जानते होंगे,
एक दिन न्यूज में खबर आती है कि जम्मू कश्मीर में सुख है, शांति है, इतनी कि आप लाल चौक पर आराम से बैठकर लेटकर बर्गर खा सकते हैं, डल झील में शिकारा चला सकते हैं, लेकिन अगले दिन किसी माखन लाल बिंद्रू जैसे किसी हिंदू की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन न्यूज चैनल पर इन मुद्दों पर कोई बड़ी डिबेट नहीं होती। देखिए 9/11 जब US में हुआ तो उसके बाद 9/11 कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की गई ये पता करने के लिए कि क्या कारण थे कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारा स्टेट अपरेटस विफल रहा इस अटैक को एंटिसिपेट करने में। तो उसमें बहुत सारे कारण थे, लेकिन मुख्य कारण एक ये था कि एक ब्लर कैंपेन चलाया जाता था इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा, कि ये जो हैपनिंग्स हो रही हैं, जो प्रिकर्सर थे 9/11 के, ये जो हो रहा है ये कुछ और है, ये जो दिख रहा है ये वो है नहीं। सिमिलर ब्लर कैंपेन हमारे भारत के रक्षा मंत्री ने आके यहाँ पे चलाया कि कश्मीर में जिहाद की समस्या नहीं है, या इंडियन स्टेट ने, उनकी बाकी मंत्रियों ने भी, या कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है। ये जो झूठ बोलने की प्रक्रिया है, ये जो पर्दे डालने की प्रक्रिया है जिहादी इंट्रूजन्स पे, जिहादी प्रेपरेशन पे, जिहादी वॉरफेयर को लेके जो जो चीजें हो रही हैं उस पे, जिहाद की जो कोअर्सिव आर्म्स हैं वो कहना कि वो एग्जिस्टेंट ही नहीं है, इस तरीके का जो धुंधलापन करने का काम है, ये पाकिस्तान ISI और चाइना नहीं कर रहा है भारत में, भारत सरकार कर रही है, जिससे जिहाद पनपता है, बढ़ता है। अनफॉर्चुनेटली मखनलाल बिंद्रू मारा जाता है, पासवान मारा जाता है, उससे पहले पंडिता मारा जाता है, कई हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है, मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। तो ये जो आपने कहा ना कि ये भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री, रक्षा मंत्री तक ये कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, आप बर्गर खा सकते हो, आप जा सकते हो, ये ब्लर कैंपेन चला रहे हैं। इंडियन स्टेट ही ब्लर कैंपेन धुंधला करना, चीजों को देखने ना देना। सिमिलर चीज अमेरिका में भी इसी तरीके से होती थी 9/11 होने से पहले, और इस चीज का संज्ञान 9/11 कमीशन ने लिया और उसमें बाकायदा लिखा कि इस तरीके से यूनिवर्सिटीज में, इस तरीके से न्यूज़पेपर्स में, इस तरीके से जर्नल्स लिख के एक डिनायल मोड में रहने की प्रक्रिया को जन्म दिया जाता था। जो हो रहा होता था, जो जिहाद अनलीश किया जा रहा होता था, उसे दूसरे तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती थी, पर्दे डाले जाते थे, और 9/11 हुआ। अब भाई भारत सरकार कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो भी हो रहा है जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में, उस पर स्वयं पर्दे डालने का काम कर रही है। हर एक वो स्टेटमेंट, चाहे DGP J&K दे या LG J&K दे या होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री दे, जो ये कहती है कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है, आतंकवाद अपनी लास्ट लेग में है, ये सब जिम्मेवार हैं आज वो मखनलाल बिंद्रू की हत्या के कारण के लिए। ये सब व्यक्ति जिम्मेवार हैं मंदिर की डेसेक्रेशन के लिए, मंदिर में तोड़फोड़ होने के कारण, क्योंकि पर्दे डालने का काम ये करते हैं। जब आपने पर्दा डाल दिया तो आप निवारण नहीं कर पाएंगे डिजीज का। तो मुझे लगता है कि हमें भारत सरकार से ये सवाल पूछने चाहिए कि समस्या पे पर्दा डालने का काम आप क्यों करते हैं। ISI यही चाहती है, आप ISI जो चाहती है उस दिशा में वॉलंटरी चल रहे हैं कि इनवॉलंटरीली चल रहे हैं, कॉन्शियसली चल रहे हैं कि अनकॉन्शियसली चल रहे हैं। मुझे लगता है ये तीखे सवाल भारत सरकार और उसके नुमाइंदों से हम सभी देशवासियों को पूछने की आवश्यकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि माहौल तो ये है कि नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए, सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव बोलो। नहीं, उस माहौल को तोड़ने की आवश्यकता है, सच्चाई बयान करने की आवश्यकता है। देश जिस समस्या से जूझ रहा है उस समस्या का नाम जिहाद है। जिहाद एक टोटल वॉर है, एक वॉर फॉर्म है, और उस टोटल वॉर की जितनी भी डायमेंशंस है उन्हें समझने की आवश्यकता है, देशवासियों को समझाने की आवश्यकता है, और इस प्रोपेगेंडा से बाहर निकलने की आवश्यकता है कि कुछ भी नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए। समस्या को उसके नाम से पुकारना हर एक भारतीय की आज जिम्मेवारी है, क्योंकि ये समस्या भारत को खत्म करने की मंशा से पैदा की गई है। भारत और सनातन की रक्षा के लिए हर एक नागरिक का यह दायित्व है कि इस समस्या को उसके नाम से पुकारे, अपने आप को एजुकेट करे इस समस्या की वेरियस डायमेंशंस को समझने में। और अगर भारतवासी आज ये नहीं करते और इस समस्या से नहीं लड़ते और इस समस्या से लड़ने के लिए स्वयं को तैयार नहीं करते, तो आने वाली पुश्तें कभी भी हमें माफ नहीं करेंगे। अंकुर जी, आप जम्मू कश्मीर से हैं, कश्मीर का हाल आप अच्छी तरह जानते हैं। लगभग पूरे कश्मीर पर कथित अल्पसंख्यकों का कब्जा हो चुका है। इसके अलावा हिमाचल में मस्जिद
और मदरसे भी बड़ी तेजी से बनाई जाने की खबरें आ रही है। इसके अलावा भी देखें तो उत्तराखंड में बड़ी तेजी से अल्पसंख्यक बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि टिहरी डैम तक मजार मस्जिद का काम पहुँच गया है। आखिर क्या कारण है कि अब ये लोग मैदान छोड़कर ऊंचाई की तरफ डेरा जमा रहे हैं, पहाड़ों में जाकर कब्जा कर रहे हैं? आपने कश्मीर के इस्लामीकरण की बात करी, हिमाचल में इस्लामीकरण हो रहा है, देहरादून में इस्लामीकरण हो रहा है, मैं जम्मू भी इसमें ऐड कर दूं। जम्मू संभाग जो हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस है, हिंदुओं की बहुलता है, जम्मू संभाग पे भी लैंड जिहाद अनलीश करके इसे हिंदू माइनॉरिटी बनाने की साजिश बहुत हद तक सफल हो चुकी है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस इंटरव्यूज में भी आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक असॉल्ट ऑन हिंदू डोमिनेटेड एरियाज एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस था। यहाँ रोशनी कानून बना के, विधानसभा को इस्तेमाल करके कानून बना के मुसलमानों को सरकारी जमीन पे बसाया गया हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में। यहाँ 14 फरवरी 2018 जैसे ऑर्डर्स पास करके मुख्यमंत्री द्वारा ये प्रोवाइड किया गया कि मुसलमान जम्मू संभाग में अगर जमीन पे कब्जा करता है तो कोई DMSSP उसे बाहर नहीं निकालेगा, गौहत्या करता है तो सेक्शन 188 RPC और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई नहीं होगी, किसी कोर्ट का ऑर्डर आता है उसे बाहर निकालने का तो कोई पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की जाएगी, रोहिंग्याज और बांग्लादेशी को हिंदू बहुल क्षेत्रों में केवल सिलेक्टिवली सेटल करके हिंदू बहुल क्षेत्रों के फॉरेस्ट, रिवर बेड्स, स्टेट लैंड पे सरकारी अफसरों की मदद के द्वारा मुसलमानों को बैठाने का काम करने के तहत पूरे जम्मू संभाग में इस इस्लामीकरण के प्रोसेस को अनलीश किया गया है। अब जो आपने कहा कि कश्मीर का इस्लामीकरण 90s में पूरे तरीके से हो गया, जम्मू का चल ही रहा है जिस तरीके से मैंने बयान किया, हिमाचल में हो ही रहा है, उत्तराखंड में हो ही रहा है, इसके पीछे ये कारण ये है कि पाकिस्तान की गजवाए हिंद रेड ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करना, उसके उस जंग को जीतने के जो स्पेशलिस्ट हैं जनरल SM मलिक टाइप के लोग, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको भारत फॉर गजवाए हिंद टू हैपन, दो चीजें बहुत क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज इंपॉर्टेंट और विद इन नॉर्दर्न इंडिया फॉल ऑफ जम्मू इज क्रिटिकल। फॉल मतलब इन एरियाज का इस्लामीकरण करना, और इन एरियाज का इस्लामीकरण अगर आपको, और फिर उसके बाद जम्मू को लॉन्च पैड या स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा पूरे हिंदुस्तान में वो मॉडल रेप्लिकेट करने के लिए। बट इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज इज वेरी वेरी क्रिटिकल। सनातन का पालना हिमालय है, सनातन का इतिहास हिमालय में बसा है, अमरनाथ हो, वैष्णो देवी हो, चार धाम हो, हिमाचल के मंदिर हो, तकरीबन सब चीजें हो, हमारी ऋषि परंपरा हो, हिमालय मतलब सनातन मतलब हिमालय, और अगर हिमालय का इस्लामीकरण कर दिया तो सनातन को जड़ से खत्म किया जा सकता है। उसी प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट के चलते कश्मीर का इस्लामीकरण किया गया, जम्मू का बहुत तेजी से हो रहा है, हिमाचल का हो रहा है, उत्तराखंड का जिस तरीके से आपने बयान किया हो रहा है। इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज फॉर इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन लीडिंग टू गजवाए हिंद रेड ऑफ इंडिया एंड इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया, ये उस स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है जो भारत सरकार जानबूझ के डिनायल मोड में इस तथ्य को मानने के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं। तो इसीलिए हमने एकजुट जम्मू ने यह कहा कि इस प्रोसेस को रोकने के लिए आप जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाइए, कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करिए, डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंटर विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक कश्मीरियों के लिए यूनियन टेरिटरी ताकि वो हमारी विधानसभा में जाके मुख्यमंत्री बन के फिर यूनिफाइड कमांड जो टेररिज्म के खिलाफ पुलिस और आर्मी और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस का अमलगम है उसे हेड ना करें और पाकिस्तान के पेरोल्स पे काम करने वाले लोग चीफ मिनिस्टर बन के देश के खिलाफ साजिश ना रचें, आप उसे यूनियन टेरिटरी बनाइए। और कश्मीर का दूसरा हिस्सा जो है कश्मीर को तोड़ के उन हिंदुओं के लिए यूनियन टेरिटरी बनाइए जिन्होंने नरसंहार फेस किया है। और आप ये कर सकते हैं, आप ये कहेंगे कि हम विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को रिहैबिलिटेट करने के लिए वहां पे ये यूटी बना रहे हैं, और आप ये UN कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड के हिसाब से कर सकते हैं। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप एक कम्युनल काम कर रहे हैं, क्योंकि आप हिंदू जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड क्रिएट कर रहे हैं वहां पे इन द नेम ऑफ विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड। तो जिन लोगों को ये इचिंग रहती है ना कि हर एक चीज सेक्युलर होनी चाहिए, ये उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप ये सेक्युलर आर्ग्यूमेंट के साथ वहां पे किसका नरसंहार हुआ, हिंदुओं का, तो किसे स्थापित करेंगे, पुनर्स्थापित किसे करेंगे, हिंदुओं को। तो आप करिए यूनियन टेरिटरी बनाइए झेलम नदी के नॉर्थ और ईस्ट में ताकि जम्मू और लद्दाख जुड़ा रहे, कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर और चाइना के साथ मिलकर कहीं लद्दाख को ना काट दें, जम्मू से लद्दाख भी
तो यहाँ पे आप एक जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड क्रिएट कर सकते हैं। और कश्मीर में जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड क्रिएट करने का मतलब पाकिस्तान के प्रोजेक्ट ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयस को रोकने का काम करना, जो नॉर्मली इंडियन स्टेट का नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव होना चाहिए था। हाँ, मसलन बीच में हिंदू बाहुल इलाका आ जाएगा। हाँ, कश्मीर में, कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़ा जाएगा, दो यूनियन टेरिटरीज में तोड़ा जाएगा। एक में रहेंगे कश्मीरी और मुसलमान, एक दूसरी यूनियन टेरिटरी जो क्रिएट की जाएगी वो उन हिंदुओं के लिए क्रिएट की जाएगी जिन्हें 1990s में वहां से लाखों की संख्या में भगाया गया था, जिनका नरसंहार किया गया था। सो विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को रिहैबिलिटेट करने के लिए आप वहां पे एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एक इंडिपेंडेंट टोटल सेफ और सिक्योर लैंडमार्क देंगे ना आप, फिर उन्हें कश्मीर में अगर भेज देंगे और सत्ता उनके पास रहेगी तो फिर उनका नरसंहार होगा। इसीलिए सेपरेट यूटी। तो कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करिए, एक तो विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड उन्हें आप उनके साथ न्याय कर पाएंगे, और दूसरा जो आपका नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव है पाकिस्तान के इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयस के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, कि कश्मीर जिसका इस्लामीकरण पूर्णता हो गया है और इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयस के प्रोसेस में एक क्रिटिकल इवेंट वो हो गया है, उसे रिवर्स करने के लिए वहां पे एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड आप क्रिएट कर देंगे, इस्लामीकरण के प्रोसेस को रिवर्स करने की दिशा में कदम आप उठा पाएंगे। ये करिए, ये है देश के लिए काम करने वाली बात, ये है दूरगामी सोच रख के, एक जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रख के, एक जिहाद की अंडरस्टैंडिंग रख के देश को बचाने वाली बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमान नाराज ना हो जाए, जिहादी नाराज ना हो जाए, फोकस सारा उस पे है। इसीलिए आप हिंदू जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड क्या क्रिएट करेंगे वहां पे, जब आप ऑफिशियली हिंदुओं के जेनोसाइड को नोटिफाई नहीं करते अंडर द यूएन कन्वेंशन। तो आपने पहला कदम ही नहीं उठाया तो वो पांचवा कदम कैसे आप उठा लेंगे, और उसी सेक्युलराइजेशन के प्रोसेस में आप चल पड़े, जिसके कारण जैसे मैंने पहले भी कहा नरसंहार हिंदुओं का निरंतर चल रहा है। कल पंडिता था, आज बिंद्रू है, कल कोई शर्मा होगा, परसों कोई गुप्ता होगा, उसके बाद कोई सिंह होगा, उसके बाद निरंतर ये लिस्ट इस तरीके से चलेगी, रुकेगा नहीं। 90s के बाद तो कभी नहीं रुका, कभी नहीं रुका। और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवार अगर कोई एंटिटी है तो इंडियन स्टेट है, स्टेट ऑफ इंडिया, जो हिंदुओं के जेनोसाइड को लेकर नकारात्मक सोच रखते हुए डिनायल ऑफ जेनोसाइड में विश्वास रखती है, मानती नहीं है कि हुआ। और ना मानना, मैंने आपको आपको पहले ही बताया कि पराकाष्ठा है जेनोसाइड की। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हमारे मुंह पर थप्पड़ मारे, हम ये ना माने कि उसने थप्पड़ मारा है, तो वो फिर मारेगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि इसके मुंह पर मारने से ये स्वीकारता ही नहीं कि इसे मारा गया है। तो जिसको जिम्मेवारी दी है आपने, सरकार नुमाइंदे चुन के भेजे, वो कहते नहीं हिंदुओं को, तो हिंदुओं के साथ जेनोसाइड नरसंहार हुआ ही नहीं, तो जो नरसंहार करने वाले हैं वो फिर करते हैं। तो इसीलिए ये कहा भी जाता है, अगर आप जेनोसाइड की डेफिनेशन को पढ़े, अगर जेनोसाइड पे आप ऑथर्स को पढ़े, वो कहते हैं कि जेनोसाइड को अगर नकारा जाए तो जेनोसाइड रेप्लीकेट करता है, डुप्लीकेट करता है, फिर से किया जाता है, वही हो रहा है। मक्खनलाल बिंद्रू आपके सामने जीती जागती एक एग्जाम्पल है। इससे पहले आपने देखा कितनी टारगेटेड किलिंग हुई, 5-6 महीने पहले हुई। बिल्कुल, लगातार हत्याएं हो रही है और होती रही है। अगर इसका विरोध नहीं किया गया, इसका हल नहीं निकाला गया, या इस पर विमर्श नहीं किया गया, तो ये आगे भी होती रहेगी। अंकुर जी, रंग दे बसंती के दर्शकों को एक बार फिर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।